सर मैं कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और लास्ट 6 मंथ्स रह गए हैं, मैंने अभी अपने मॉक्स स्टार्ट नहीं किए, तो प्लीज मेरे को बता दीजिए मेरे को अपना फर्स्ट मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए और मॉक्स की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मेरी। तो मॉक्स के लिए दो चीजें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा पहले बेसिक्स कर लें। जब तक हम पहले बेसिक्स करेंगे नहीं, हम टेस्ट क्या करेंगे? दैट इज नंबर 1। तो QA, DILR, VRC सब में थोड़ा बेसिक्स अगर आपने पहले किया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब आप मॉक स्टार्ट भी कर रहे हो तो पहले 10 मॉक्स आपको एक्सपेरिमेंटल करने चाहिए। मतलब आपने आपका स्कोर चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि भाई मेरे को चाहे 0 नंबर आ जाए मैं इसको एक्सपेरिमेंटल रखूंगा। मैं फॉर एग्जांपल कभी RCs पहले कर लिया, कभी नॉन RC पहले कर लिया, कभी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पहले कर लिए। जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। और कोई सेट गेम प्लान नहीं है, हर एक इंसान का सक्सेस मंत्र अलग होता है, तो वो आपको पहले 10 मॉक में पता चलेगा। आपको डरना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे 0 मार्क्स आ जाए पहले 10 मॉक में, और टोटल आपको 30 से 40 मॉक्स करने चाहिए।